इटावा लोकसभा में इस वक्त आईटीआई चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ के युवा हैं और नौजवान लोग हैं। मतदान आज चल रहा है, बहुत अच्छे से शांत प्रिय ढंग से मतदान चल रहा है। और किस प्रकार मतदान चल रहा है मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा कन्हैया सविता। जी, सविता परिवार से। जी, तो किस प्रकार से यहाँ जो माहौल चल रहा है, किसका चल रहा है? जी, समाजवादी पार्टी। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि 10 साल इनको देख लिया है, उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात ये कि हर मीटिंग में, रैली में ये कहते हैं कि हम 400 पार। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप देश को ये बताइए कि आपकी सरकार 300 भी बन रही है, आपकी सरकार 250 भी बन रही है, आपकी सरकार 350 भी बन रही है, लेकिन आप देश को ये बताइए कि 400 पार आने के बाद आप क्या करेंगे। जी, उसके बाद आप आ जाओ महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी पे। इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया, ठीक है। आज उनको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया कि आज वो बेघर हो गए। उसमें कम से कम 12-13 हजार लोगों ने हमारे आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने के ऊपर आज वो बेघर हो चुके हैं। उसके बाद जो भी हुआ, आज दर दर की ठोकर खाना से चम जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरी बात आती है कि अखिलेश यादव ने, आप पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी ने क्या किया है। अखिलेश यादव जी ने एक लैपटॉप दिया, किसी बिरादरी को देख के नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता दिया, किसी बिरादरी को देख के नहीं दिया। और कन्या विद्यादान दिया, किसी बेरोजगारी किसी बिरादरी को देख के नहीं दिया। समाजवादी पेंशन दी, किसी बिरादरी को देख के नहीं दी। इसलिए हम चाहते हैं माननीय आने वाले समय, इस बार जो है कितने मतों से जीत हो रही है आपके प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी कम से कम 2 लाख की। 2 लाख? हाँ, मेरे अनुमान से। बीजेपी कह रही हार रहे? नहीं, बीजेपी वो तो कहेगी जब 400 बार। आप देख लीजिए, आप तो मीडिया के बहुत अच्छे पत्रकार हो, भारतीय संविधान में 4वें स्तंभ पे खड़े हुए हो। मैं आपका सम्मान करता हूँ जो आप यहाँ आए हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारी बात उठा रहे हो, हमारी आवाज को ले जा रहे हो। आप ये देख लीजिए कि पहले जब पहला चरण चालू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि 400 पार, उसके बाद दूसरा चरण हुआ, इनकी 400 पार की हवा निकल गई। तीसरा जब चरण आया तो अब ये मंगलसूत्र को लेके आए हैं। तो मंगलसूत्र में क्या है? आप कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम, क्या भगवान को हम नहीं मानते? हमारे भी भगवान है, हम भी पूजा करते हैं अपने भगवान की, लेकिन हम सीता को राम के साथ और कृष्ण को राधा के साथ जोड़ के कहते हैं कि बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। हम किसी को सिंगल लेके नहीं चले, जय श्री राम का नारा हम नहीं लगाते, हम भी लगाते, लेकिन राम के साथ। तो आपके आपके समाज का कितना मत पड़ रहा है? मेरे समाज लगभग पूरा, बीजेपी में नहीं जा रहा। मेरा समाज लगभग हर पोलिंग पे पूरा वोट डाल रहा है। आप बताइए, इस यहाँ पे जो है बीजेपी है या सपा? सपा। सपा है? पक्का? पक्का। आप बताइए। समाजवादी पार्टी। क्यों? संविधान बचाने के लिए। संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी में यहाँ ज्यादातर वोट जा रहा है, क्योंकि अभी रामशंकर जी ने कुछ बयान भी दिया, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। महिलाओं के बीच में भी बहुत आक्रोश है जी, इसलिए तो इस बार समाजवादी पार्टी। कितने मतों से जीत हो रही है आपकी? अब देखिए कितने से होती है, लेकिन अच्छी जीत होगी। मुद्दा क्या रहेगा, जीत का कारण क्या है? अरे भैया, यहाँ कोई काम ही नहीं किया गया, जो भी काम हुआ है सपा के शासन में हुआ है, उसके बाद से यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं है? यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, तो इस पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि क्या कहना चाहते हो आप। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दौरे जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि 5ों विधानसभा हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीत रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। भैया आप बताइए, यहाँ पे किस प्रकार जीत हो रही है? बहुत अच्छी जीत हो रही है। किसकी? जितेंद्र दौरे जी की। और बीजेपी? बीजेपी हारेगी। क्यों, क्यों, कारण क्या? अब उनका समय था, अब निकल गया है, तो अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी आपके इटावा में? इटावा में नहीं, हर जगह। अब हर जगह इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। कितनी सीटें निकल रही? उनके नारे 400 पार उनको फेल हो गए, लेकिन हम लोग जरूर पहुंचेंगे 400 पार। 400 पार आप पहुंच रहे? आप बताइए 400 पार। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कह रहे पूरी अखिलेश सरकार आए। अगले इटावा में क्या कंडीशन? इटावा में फर्स्ट जीत है, 1.5 लाख से आगे से चल रहे हैं अभी। 1.5 लाख मतों से यहाँ पे 1.5 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। और भी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। भैया बताइए। 2 लाख से आगे चल रहे जी, 400 नहीं 450 पार। 450। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा अच्छा है, हर जगह है। हर जगह? हर जगह। केवल बेरोजगारी? बेरोजगारी, बेरोजगारी भी है। आदमी घूम रहे, महंगाई जो देख रहे, महंगाई आदमी कितना परेशान हो गया। सब गायों कुछ बचा ही नहीं है, ये तो हम कुछ बचा नहीं है, गायें सब फसल। आदमी किसान घर पे ले जाए पाए रो, 4 दाने बाजरा के, 4 जुनरी के, 4 न खाने के ना बेचे। किसान निधि भी तो मिल रही सरकार से? किसान तो वो क्या मिल रही है, वो ही तो लौटा के दे रहे, अपने घर से तो दे नहीं रहे। डीएपी 1100 लगा 1700 बना दी, 50 के लिए की बोरी 45 किलो की बना दी।
वो हमारा ही तो है, जो हमारा खा रहे वही तो दे रहे वापस। यहाँ यहाँ समाजवादी पार्टी से जितेन दोहरे जो है भारी मतों से जीत बताई जा रही है। अब देखना यह है कि इटावा में कौन सांसद पद पे बैठते हैं, आने वाले समय में ये जानकारी होगी।